हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के चिपड़े। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। सूजी के चिपड़े को आप 2 मिनट तक अच्छे से सोख कर रख सकते हैं और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। चलो इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए एक पैन में मैंने 2 कटोरे जितना पानी ले लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और अच्छे से पानी को गर्म होने दीजिए। और उसको गर्म होने के बाद उसमें 1.5 कटोरे जितना आप सूजी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। थोड़ा सा गाढ़ा होने तक उसको पका दीजिए और उसको साइड में ढक के रख दीजिए ठंडा होने के लिए। तब तक वो अच्छे से सूजी फूल जाएगी और अच्छे से पक जाएगी। चलो अभी मिक्सचर बनाते हैं। उसके लिए एक पैन में थोड़ा सा घी ले लीजिए और घी थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद 2 कटोरे जितना मखाना डाल दीजिए। मखाने को अच्छे से उलट पुलट करके आप रोस्ट कर दीजिए। गोल्डन ब्राउन होने तक आप रोस्ट करना और ये सब कुछ आप धीमी आंच में ही करना होता है। ज़्यादा आंच करेंगे, हाई फ्लेम करेंगे तो मखाने जल भी सकते हैं, अच्छे से पकेंगे भी नहीं। फिर मखाने मेरे रोस्ट हो गए, उसको अलग से निकाल दिया मैंने। फिर दूसरे में आप घी और नहीं तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। घी और तेल यूज़ करके उसके बाद थोड़ा सा मूँगफली सेक लीजिए। मूँगफली में थोड़ा सा क्रैक आने लगे तो समझ लीजिए वो सिक गया है। मूँगफली भी सिकने के बाद उसमें थोड़ा सा काजू, बादाम और किशमिश, सनफ्लावर सीड और पम्पकिन सीड, जो जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है उसको सारे सब कुछ डाल दीजिए और धीमी आंच में सेक दीजिए। अच्छे से क्रंची होने तक अच्छे से सेक लीजिए काजू बादाम क्रैक को और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक दीजिए। और आँच को हमेशा धीमी ही रखना है। मेरे देखो उलट पुलट करके सेक दिया है। इसको खाने में बहुत शानदार लगेगी और आपको 2 महीने तक आप अच्छे से सेक कर स्टोर करके रख सकते हो। कोई मेहमान आए तो आप दे सकते हो। बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट्स पड़े रहते हैं ना उसमें, वो अच्छा लगता है। उनके टिफिन में भी आप भर सकते हो। तो देखिए मैं कैसे सेक रही हूँ। मेरा तो अभी हो गया है, अब इसको निकाल दिया और वही पैन मैंने थोड़ा सा पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड सब डाल दिया। मैं जो जो आपको जो जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है वही डाल दीजिए। और वही पैन में थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी सेक लीजिए। थोड़ा सा घी डाल के आप अच्छे से भून लीजिए। देखिए मैंने सबको मिला दिया, मिक्स कर दिया, जो सारे सीड्स को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अभी मैंने तो करी पत्ते भी अच्छे से सेक लिया है। आप ये सब कुछ डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने तो सेलो फ्राई ही किया है। ठीक है, अभी सारे मिक्सचर को ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, थोड़ा का 1 चम्मच जितना काली मिर्ची, 2 चम्मच जितना शुगर पाउडर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके आप साइड में रख दीजिए। अभी चलो अभी जो हमने सूजी का गोल बनाया था उसको अच्छे से मसल के चिकना कर देते हैं। आप मसलने के लिए थोड़ा सा तेल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर घी का ही इस्तेमाल किया है। उसको अच्छे से मसल मसल के चिकना कर दिया है मैंने। देखिए और हथेली की मदद से सारे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और चिकना भी कर दीजिए। आप चाहो तो इसमें आलू भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने आलू तो स्किप कर दिया है। आलू से ज़्यादा और भी क्रंची बनते हैं और खस्ता भी बनते हैं। जैसे कि 2 कटोरे जितना सूजी लिया है तो आप 2 आलू मिला सकते हैं। आलू को हमेशा कद्दूकस करके ही डालना होगा है और मैंने तो आलू नहीं डाला है। वैसे ऐसे ही सूजी को ही क्रिस्पी कर रही हूँ, मतलब ये चिकना कर रही हूँ। मेरा भी सूजी का प्रिपेयर हो गया। अभी सेव बनाने वाली मशीन में उसको अच्छे से ग्रीस करके वो
घोल को डो को डाल दीजिए। इधर मेरा तेल भी गर्म हो रहा है, और हमेशा तेल को ना थोड़ा हाई फ्लेम में ही गर्म कर दीजिए। हमेशा हाई फ्लेम में ही गर्म होने के बाद ही उसको ये सेव वाले मशीन से उसमें डालिए। देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ इसको, सब हमेशा हाई फ्लेम में रखिए, वो थोड़ा पकने दीजिए, फिर उसका बबल्स जो बंद होने लगे तभी उसको पलटिए। देखिए मेरा भी थोड़ा सा बबल्स बंद हो गया है, उसको मैं अभी टर्न करूँगी तो उसको अच्छे से पक जाएंगे। और सूजी की जगह सेव बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, और फ्लेम को हमेशा हाई ही रखना है, धीमी आंच में नहीं पकाना है। ऐसे ही हाई फ्लेम करके रख दीजिए तो वो जल्दी पक भी जाते हैं। और सेव को ऐसे तोड़ना नहीं है, वो तो तेल से आप निकालने में मुश्किल हो जाएगी, ऐसे साबुत ही रखना है। देखिए मैं कैसे पलटा रही हूँ, और अच्छे से वो पलट जाती है और जल्दी ही पक जाती है। हाई फ्लेम में ही करना है, सच मानिए ये बहुत अच्छी लगती है, खट्टी मीठी लगती है। और आप ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कैसे बनी है। देखिए कैसे बना रही हूँ सेव वाले मशीन से, आप ऐसे से ऊपर से करके ध्यान से बनाना। दोस्तों अभी सेव, सारे सेव को हमने तल लिया है अच्छे से, और उसको तोड़ के पूरा ड्राई फ्रूट में जो सेका सेक के रखे थे हमने उसमें मिक्स कर दीजिए। इसमें से आप चाहो तो ग्रीन चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने तो कुछ नहीं डाला है, बस ब्लैक पेपर डाला है ऐसे। और इसको एक टाइट डब्बे में स्टोर करके आराम से एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके जाना।